राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है 8 से 11 वर्ष के बच्चों हेतु हमारे पेड़ पौधे श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम नींबू। बाहर तो धूप है, चल यहीं बैठकर खेलते हैं। हाँ, चौपड़ खेलते हैं। नहीं तो फिर क्या, अष्टम चमका खेलें? नहीं नहीं ये भी नहीं। तो फिर पहेली। पहेली एक शर्त पर। क्या? पहले पहेली मैं पूछूंगी। नहीं मैं पूछूंगी। नहीं मैं नहीं। ओ, शोर बहुत करती हो तुम दोनों, खेल में भी झगड़ा। अच्छा अच्छा चलो मैं साथ बैठती हूँ। जरा सोचने दो। पीला या हरा रंग इसका घोल मटोल शरीर, बड़े बड़ों के दांत ये खट्टे कर दे वीर। नानी नानी बताना क्या है? मैं क्यों बताऊं, तो खुद सोच। नानी घोल मटोल शरीर, हरा पीला रंग इसका, इमली नहीं आम, नहीं नहीं हरा पीला छोटा सा बिल्कुल गोल गोल आम, नहीं जायकेदार मजेदार खट्टा खट्टा नींबू। किरण बिटिया तेरी पहेली तो बड़ी अच्छी है। नींबू भी बड़े अच्छे हैं। पीले पीले गोल गोल। अरे बाजार से बढ़िया कागजी नींबू लाया हूँ। लग तो बढ़िया रहे हैं। जा जल्दी से शिकन भी बना के ला सबके लिए। लाइए हम बना कर लाते हैं। शिकंजी में थोड़ी सी पिसी काली मिर्च और नमक डाल देना। भाई मुझे तो मीठी पसंद है। और लड़ना मत। अजी इतने सारे नींबू किस लिए लाए हो जी? तुम्हारे दांत खट्टे करने के लिए। हाँ जी तुम्हारी दुश्मन जो ठहरी। अरे भाई मैंने सोचा थोड़े नींबुओं का अचार डाल लेंगे, और फिर तुम्हारी वो शिल्पा और किरण भी तो आई हुई है ना। शिल्पी और किरण भी हैं। अच्छा तो शिल्पी और किरण नींबू खाएंगी। अरे भाई नींबू दाल में निचोड़ो, शिकंज भी बनाओ, चटनी बनाओ, शरबत बनाओ, और हाँ कमला बेटी के लिए अचार बनाकर भी भेज देना। एक बात तो तुम भूल ही गए, पुराने पीतल के बर्तन भी तो काले पड़ गए हैं, नींबू मलकर उन्हें भी चमका लूंगी लगे हाथ। शिकंजी तैयार, जायकेदार मजेदार, ले आई खट्टी मीठी ठंडकदार जायकेदार। तुम लोगों ने भी पी की नहीं? पूरा जग भर कर लाए हैं। मजा आ गया। अरे ला मेरा ग्लास इधर दे मुझे। ठंडक पड़ गई है। मैं तो चली खेलने। रुकना मेरा थोड़ा सा ही काम रहता है। नाना जी से रोको ना। हाँ भाई किरण थोड़ी देर ठहर जाओ है। शिल्पी को भी काम खत्म कर लेने दो। हाँ। दोनों इकट्ठे खेलना। किसका काम खत्म नहीं हुआ? नानी जी मुझे लिखना है कि विटामिन सी किन किन चीजों में पाया जाता है। अच्छा। संतरे में विटामिन सी होता है, लिख ले। आंवले में भी विटामिन सी होता है। अच्छा? अरे भाई ताजे फलों में जितने भी खट्टे ताजे फल होते हैं ना सब में होता है। खट्टे और रस वाले। हाँ खट्टे रस वाले, जैसे संतरा, मौसमी, नारंगी, चकोतरा, माल्टा, गलगल और नींबू। में भी विटामिन सी होता है। बहुत बहुत ज्यादा। विटामिन सी और नींबू का तो बहुत मशहूर किस्सा है भाई। अच्छा? जो नाविकों वाला जिन्हें स्कर्वी रोग हो गया था। स्कर्वी? ये कौन सा रोग है? ये रोग त्वचा रोग होता है, ज्यादातर विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नहीं वो बात बहुत पुरानी है, लगभग आज से 400-500 साल पुरानी। उस जमाने में हवाई जहाज, बड़े बड़े समुद्री जहाज तो थे नहीं, पालदार जहाज होते थे। वे हवा से ही चलते थे। हवा के ना चलने पर चप्पू भी चलाने पड़ते थे। अब मैं सुनाऊं कि तुम सुना लो बस? अच्छा अच्छा नाराज क्यों होते हो, आप ही सुना दो। हुआ यूं, एक बार एक जहाज सागर की लहरों को चीरता हुआ चला जा रहा था।
उसमें लोग भी सवार थे? हाँ, कप्तान, नाविक और बहुत से व्यापारी लोग। कितने दिनों से चल रहा था ये जहाज? अरे दिनों से नहीं, 2-4 महीनों से। बाप रे, 2-4 महीने एक ही जहाज में? उस जमाने में तो कई कई महीने लग जाते थे। फिर क्या हुआ? जहाज सागर की लहरों को चीरता हुआ चलता जा रहा था। चलते चलते 6 महीने बीत गए। अच्छा। नाविक थक गए, बीमार पड़ गए। तो एक दिन एक नाविक ने कप्तान से आकर कहा, कप्तान साहब। क्या बात है फ्रांसिस, परेशान लग रहे हो? साहब, सब लोग बुरी तरह से करा रहे हैं, बहुत बीमार हैं सब। मैं देख रहा हूँ, महसूस भी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए मेरी बाजुओं पर दाने, मेरे मसूड़े भी देखिए। डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर तो देख ही रहे हैं सबको, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। जी आइए। बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है सबकी। आइए कप्तान साहब। ये इतना सब कैसे हो गया डॉक्टर? देखिए दवा तो मैं दे रहा हूँ पर असर नहीं हो रहा। खाने को भी तो कुछ नहीं है ना? क्यों? दाल रोटी आटा सब कुछ तो है। मैं फलों की बात कर रहा हूँ, ताजा सब्जियों की बात कर रहा हूँ। अभी तो 10-15 दिन और लग जाएंगे। कप्तान साहब, अभी तो दूर दूर तक जमीन दिखाई नहीं दे रही। मेरे मसूड़े सूज गए, दांतों में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ कीजिए प्लीज। कप्तान साहब, आप तो ठीक ठाक लग रहे हैं, जबकि मेरे भी जोड़ों में दर्द हो रहा है। हाँ मैं तो ठीक हूँ। आप खा क्या रहे हैं? मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा, खाली नींबू का पानी और थोड़ा उबला आलू ले रहा हूँ। नींबू का पानी? शायद खाने की इन्हीं दोनों चीजों में ऐसा तत्व होगा। ठीक है, नींबू पानी इन्हें भी देकर देखता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ इन सब मरीजों को भी नींबू पानी पिलाकर देखूं। फ्रांसिस, नींबू है? जी हाँ नींबू है। चलिए नींबू का रस निकालिए, शायद बच जाए। धीरज रखिए आप। अच्छा उसको भी देख रहा नींबू पानी, वो जो वहां लेटा हुआ है नीचे। फ्रांसिस, नींबू पानी पी लो। बूढ़े व्यक्ति को नींबू पानी तो ले जाके। डॉक्टर साहब ठीक हो जाएंगे ये लोग? आशा तो है। धीरज रखो, धीरज रखो, इधर आओ, इधर। शाबाश, यहाँ बैठो। डॉक्टर साहब कह रहे हैं शायद ठीक हो जाएं हम, शायद ये जो नींबू पानी डॉक्टर साहब हमें दे रहे हैं इससे कुछ फर्क पड़ेगा। ये लो ये नींबू पानी। हाँ लीजिए। शाबाश शाबाश, तुम भी आओ इधर आओ नींबू पानी। क्या वो सब ठीक हो गए थे नींबू पानी से? हाँ बेटे, नींबू पानी से वो सब ठीक हो गए। कैसे? क्योंकि उन नाविकों और जहाज के यात्रियों को जो बीमारी हुई थी ना, हाँ? उसका नाम था स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग? हाँ, ये त्वचा रोग होता है और ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अच्छा। क्योंकि हमारा शरीर विटामिन सी को 4-5 महीने से ज्यादा इकट्ठा नहीं रख सकता, इसलिए विटामिन सी लेते रहना चाहिए। उन लोगों ने क्यों नहीं लिया? क्योंकि उस जमाने में पता ही नहीं था कि विटामिन सी क्या होता है और इस रोग का भी नहीं पता था कि क्यों होता है। तो पता कब चला?
सोलहवीं शताब्दी में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि संतरे नींबू नारंगी का रस इस रोग को ठीक कर सकता है। फिर तो नाविक बीमार नहीं पड़ते होंगे। बहुत कम। वैसे लंबी यात्राओं में जरूरी हो गया इन फलों का सेवन करना, इन्हें साथ रखना। याद आया, जब पुराने जमाने में युद्ध में घेराबंदी हो जाती थी ना, तो सैनिकों का खाना खत्म हो जाता था, तो उन्हें भी ये रोग हो जाता था। क्या अब भी सैनिकों को देते हैं? हाँ, अब तो इन फलों के रस के पैकेट तैयार होते हैं। अच्छा? जो सैनिकों को, समुद्री जहाजों में सफर करने वालों को, सब जगह दिए जाते हैं। यानी लंबी यात्राओं पर जाने वाले सभी लोगों को दिया जाता है। हाँ। एक बात और बताऊं? हाँ बताओ। अंग्रेजी नौसेना को 1804 में पहली बार नींबू के रस के पैकेट दिए गए थे। समझ गई, विटामिन सी बहुत फायदेमंद है। पर ये किसने पता लगाया कि नींबू में विटामिन सी है? शाबाश, बड़े पते की बात पूछी है बेटे तुमने। देखो, सन 1911 में पोलिश वैज्ञानिक कैसमिर फंक ने पता लगाया कि विटामिन सी ताजा फलों में सब्जियों में पाया जाता है। लो, हो गया विटामिन सी पर भाषण। मैं जल्दी जल्दी लिख लूं? तू जल्दी जल्दी लिख ले, मैं जल्दी जल्दी चाट बना कर ले आऊं। अरे और आओ, हम लोग नींबू का गीत गाते हैं। हाँ चलो। हाँ। नींबू जायकेदार मजेदार, इट्स में मिलाकर लाए बहार, बर्तन करते चमकदार, साबुन में घोलकर लाए निखार, गर्मी में नींबू ठंडकदार, नींबू लाए बहा ही बहार, जायकेदार मजेदार खुशबूदार। हाँ तो दोस्तों, नींबू के बारे में कुछ तो हमने बताया, और अब कुछ आप बताइए। जैसे सबसे पहले नींबू के कोई पांच गुण बताइए, और दूसरा नींबू की जाति के अन्य पांच फलों के नाम बताइए। जैसे कुछ तो हम बता देते हैं भाई, मौसमी, गलगल आदि आदि आदि। नींबू, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम विषय विशेषज्ञ एवं परियोजना मार्गदर्शन सुश्री जयचंदीराम, संयुक्त निदेशक, आलेख मधु बी जोशी एवं रमेश रानी शर्मा, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, नीरज शर्मा, अभय भार्गव, जैमिनी कुमार, बाल कलाकार आरती और अंकिता, ध्वनियांकन सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।